ये मेहंदी अभी प्रिपेयर किया है, दो एग रोल्स, तो इसको अभी रोल करना बाकी है, तो मैंने ऐसे ही उठा लिया दिखाने के लिए, डिनर के लिए। आज आज डिनर में एग रोल खाने का मन है। वेरी नाइसली डन, माशाल्लाह। टिश्यू है ना, पेपर होने से सही होता है। टिश्यू ऐसे नहीं, बहुत पतला होता है। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू अनकना मेहंदी की कहानी। आज अभी हम लोग निकल रहे हैं, लास्ट व्लॉग में हम लोग बताए थे कि एक प्लानिंग है, तो वो प्लानिंग का आज हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी दोपहर हो रहा है, बाहर बहुत धूप है, जानबूझ के हम लोग दोपहर के टाइम निकल रहे हैं कि ताकि सब कुछ कवर हो पाए। तो हम लोग एक बहुत ही अच्छी जगह में जा रहे हैं, एक है वादी वादी अलशीश, वादी अलशीश, और उसके बाद जाएंगे खोरफक्कान, उसके बाद यूएई का ओल्डेस्ट मस्जिद इंशाल्लाह। तो जाएंगे और जा करके टोटल कैसे हम लोग जाते हैं और क्या क्या करते हैं आप लोगों को दिखाएंगे। जा रहे हैं भाई और भाभी के साथ, तो थ्रू आउट आपको दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। और अभी हम लोग निकल गए हैं हाईवे के तरफ से, जा रहे हैं घर से निकले। घर से निकल के मैप चेक किए, मैप चेक करने के बाद अब जीपीएस के अकॉर्डिंग हम लोगों को कवर करना है मोर देन 100 किलोमीटर्स ऑन द सेम हाईवे। ये शारजा अरब कल्चर कैपिटल और ये अभी हम लोग शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हैं। लेफ्ट साइड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इन लोगों का ATC देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, और एयरपोर्ट डोम शेप में बनाया जो भी अच्छा लग रहा था काफ़ी। अभी हम लोग एयरपोर्ट क्रॉस कर गए, और अभी एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड राइट साइड में पूरा ग्रीनरीज, बड़ा बड़ा ग्रीन प्लांट्स लगाया है जो अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। हम लोग घर से स्टार्ट किए और घर से वादी शीश पार गए 101 किलोमीटर्स। एज ऑफ नाउ हम लोग कवर किए हैं 24 किलोमीटर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये है एक सीमेंट फैक्ट्री, और ये अभी हम लोगों के राइट साइड में है। ये लग रहा है कोई म्यूजियम वगैरह, पर ये वेस्ट मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर है शारजा का। यहाँ से डेजर्ट वगैरह सब स्टार्ट हो रहा है थोड़ा 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 करके। बस सिर्फ गर्मी ही बहुत ज़्यादा हो रहा था। आप लोग थोड़ा आगे जा कर के देखिएगा, अभी ऊँट दिख रहे हैं, तो बहुत सारे ऊँट हम लोगों को दिख गए। और ऊँट के जो शेड्स, ये देखिए ऊँट है कितने सारे, और ऊँट के साइड में शेड्स भी यहाँ पर बने हुए हैं जहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब तपता हुआ गर्मी। तो हम लोग वैसे ही थोड़ा लेट से निकले थे ताकि गर्मी थोड़ा कम हो, बट लेट से निकल के भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगा। तो आप अगर शाम में भी जाइएगा तो भी गर्मी लगेगा। तो अनटिल अनलेस रात होता है तब तक आपको गर्मी लगेगा, और रात में ये सारा रास्ता में वैसे लाइट्स है, सब कुछ है, तो ईजीली आप लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेहंदी यहाँ पर झूरी भाजा खा रहा है। तो हम लोग सब लोगों के लिए छोटा छोटा एक एक करके पैकेट्स ले लिए थे, तो वैसे हम लोग जाते जाते खा रहे थे, मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर से थोड़ा थोड़ा छोटू छोटू सा माउंटेन आ रहा है, आगे जाके और भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट ये चीज़ है भी, अगर आप लोग रात में निकलते हैं तो ये सारा कुछ आप लोग देख नहीं पाइएगा। तो बेटर है कि वैसे ही आफ्टरनून करके, थोड़ा लेट आफ्टरनून करके आप लोग निकलिए इफ़ यू वांट टू कम ओवर हियर। वैसे भी सबको आना चाहिए, जो लोग भी यूएई में हैं और जो लोग दुबई घूमने आते हैं, तो वो लोगों को भी विज़िट करना चाहिए, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ से मेरा पास
और ये सब जो साइड्स में है ये है डेट ट्रीज़। मुझे तो देख करके लगा कि ये कोकोनट है पर ये डेट ट्रीज ही है। यहाँ पे बहुत सारा फार्म्स है तो यहाँ पर डेट्स सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद इधर उधर सब डेट्स आता है। वैसे ये सब चीज़ अगर आप खुले आँख से नेकेड आइज से देखें तो वो बेटर है, तो मोबाइल से जितना हो पाता है हम लोग लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, दो साइड में पहाड़ और बीच में रास्ता, काट काट के कैसे लोग बनाते हैं, सुभान अल्लाह। ओपन आईज में बेटर लगता है। ये रास्ता थोड़ा स्लोपी है। हम लोग अभी 500 नहीं 600 मीटर ऊपर है, इसीलिए मेरा थोड़ा थोड़ा कान बंद हो रहा है। अभी हम लोग 1600 फीट हो गए ऊपर। अभी हम लोग 2155 फीट में है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी इधर टनल है, टनल के अंदर हम लोग जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी एक टनल है और हम लोग यहाँ पर बहुत सारे टनल से क्रॉस किए हैं, तो अंदर सब कुछ अच्छा है, लाइट्स वगैरह ऑलवेज ही ऑन रहता है तो अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और रास्ता बहुत ब्रॉड है। यूजुअली हम लोग जो देखते हैं, जैसे मैं देखी हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूँगी कि पहाड़ का रास्ता जो भी काट काट के होता है तो वो बहुत ही नैरो होता है और बहुत डर लगता है। इस साइड उस साइड दो साइड से रास्ता आता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिर नॉर्दर्न इंडिया, पर यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ब्रॉड रास्ता है। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बहुत सारे मार्केट्स बना हुआ है, बहुत सारे मार्केट्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है पर बहुत सारा मार्केट्स है जो अभी तक रनिंग है। और वो लोग कोई भी अगर गाड़ी देखते हैं तो उन लोगों को बुलाते हैं फ्रूट्स वगैरह। फिर मेहदी ने तो बोला, उसने फर्नीचर भी देखा, नर्सरीज है, तो ये सब अभी बन रहा है। तो पहले ये सब कुछ भी नहीं था, अभी ये बहुत सारा कुछ बन चुका है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी हम लोग पहुँच गए शीश पार्क, हम लोगों का फर्स्ट डेस्टिनेशन। और पहुंचने के बाद हम लोग फर्स्ट चीज़ जो किए वो है असर का प्रेयर किए। यहाँ पर विमेन और मेन का अलग से, जैसे यूएई में पूरा होता है मस्जिद, सबका अलग होता है विमेन का और मेन का, तो हम लोग विमेन के तरफ चले गए, वहाँ पे जाकर पढ़ लिए। और यहाँ पर मेहदी और भाई मेन के तरफ पढ़ लिए और वहाँ से निकल के अभी हम लोग जा रहे थे टूवर्ड्स शीश पार्क। फिर टिकट लेंगे, उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे। पहले हम लोग जो भी सामान लाए थे तो वो सब कुछ निकाल लेंगे, बेटर है कि आप सामान ले करके आए, क्योंकि एज ऑफ नाउ अंदर वैसा कुछ नहीं है। तो जो लोग भी आ रहे हैं सब कुछ ले करके आ रहे हैं। और यहाँ पर घुसते साथ साथ एकदम सामने में एक वाटरफॉल है, तो यहाँ पर सब लोग अपना पिक्चर्स वीडियो सब कुछ ले रहे थे। तो मेनली क्या हो रहा है, मेनली यही है कि जगह बहुत अच्छा है बट बहुत गर्मी लग रहा है, तो मुझे देख पा रहे होंगे मैं कितना पसीना पसीना हो रही हूँ। और ऊपर से यहाँ पे बहुत बीज भी है जिससे मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में मुझे बी एक बार काट दिया था, अस्तगफिरुल्लाह, इसलिए मैं उससे भी बच रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा गर्मी भी लग रहा है पर थोड़ा थोड़ा हवा भी है, तो शाम में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो तब बहुत अच्छा लगेगा। मैं जितना तो अभी धूप में भी अच्छा ही लग रहा है, तो देखिए। দেখো এখানেও এসে ये पहाड़ और ये मस्जिद, यहीं पे हम लोग प्रे किए थे। यहाँ पर साफ़ सफाई भी वो लोग इंस्टेंटली कर देते हैं, अगर कोई कुछ फेंक देता है तो, वैसे डस्टबिन है। यहाँ पर हम लोग खाने बैठे तो लंच करके निकले थे, जस्ट मेहदी ने नहीं किया था। और यहाँ पर खाने में भाभी बना करके लाई थी ये वाला पापड़ जो मेरा बहुत फेवरेट है, बॉयल्ड एग आलू पराठा और एक चटनी माशाल्लाह। और हम लोग लेके गए थे चिली चिकन और कुछ स्नैक्स।
बहुत खूबसूरत लग रहा है देखिए। और ये वाला जो आगे का रास्ता है ये मुझे बिल्कुल अभी वाला फास्ट एंड फ्यूरियस वाला रास्ता दिखा मुझे ना। और इस टाइम में मेरा तबीयत बहुत ख़राब हुआ था, बहुत ख़राब, स्पॉन्डिलाइटिस का पेन स्टार्ट हो गया था क्योंकि मैं भूल गई थी मुझे सीढ़ी उठने में प्रॉब्लम होता है, मुझे वर्टिगो का इशू है, इसलिए मैं बैठ गई। और यहाँ पर सनसेट हो रहा है आगे, और थोड़ी देर बाद हम लोग फिर यहाँ से निकल गए थे, निकल के हम लोग बीच के तरफ जाने लगे। ये बीच है खोरफक्कन बीच, खोरफक्कन बीच जा रहे हम लोग, और मल्टीपल टनल्स। हाँ, तो यहाँ से खोरफक्कन बीच ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स था। और ये देखिए अभी तक सनसेट हुआ नहीं है और मून दिख रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, एक ही जगह में सन मून दोनों एक साथ दिख रहा है माशाल्लाह। नहीं टोल भी नहीं। और मेरा हाल देखिए, पसीने से लथपथ फिर तबीयत खराब, बट एंजॉयमेंट बहुत हुई है माशाल्लाह। ये वाला ट्रिप सही में बहुत अच्छा लगा है हम लोगों को, जज़ाकअल्लाह खैर तो भाई एंड भाभी। तो ये अभी मगरिब ऑलमोस्ट होने वाला है, मून दिख रहा है, टी बैग जी, गार्लैंड डी। और यहाँ पर हम लोग गाड़ी में वर्ड गेम खेल रहे थे, कोलकाता ए अबू धाबी, आइसलैंड डी डॉग जी, मेरे को जी बहुत आ रहा है सोच में खराब नहीं बोलो, गोट में बोली, हां गोट में बोली, ग्रुप पी करेक्ट जी। और यहां पर हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 मिनट में बीच पहुंचने वाले हैं, और पहले मगरिब का नमाज पढ़ेंगे जमात बना करके इंशाल्लाह। और ये सब जगह बहुत, अभी इस टाइम में ट्रैफिक है क्योंकि बहुत यहाँ पर बीच में बहुत ज़्यादा रश था, एक तो छुट्टी भी था, ऊपर से ईद का टाइम था। और सबसे मज़ा आया कि एक ही दिन में हम लोग पहाड़ समुंदर सब जगह में गए अल्हम्दुलिल्लाह। खोरफक्कन कौन इमारत में आता है? और मगरिब के बाद हम लोग सी बीच में नहाने चले गए, तो चेंजिंग रूम सेपरेट था विमेन और मेन का, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, शावर रूम अलग है माशाल्लाह। तो इस टाइम में हम लोग कोई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि पॉसिबल नहीं था, उसके बाद फिर निकल के वीडियो बनाए हैं, वो आप लोग आगे देखिएगा। हाँ माशाल्लाह, ये है खोरफक्कन का रास्ता में वाटरफॉल है। यह है खोरफक्कन एमपी थिएटर, यह है यूएई का ओल्डेस्ट मस्जिद माशाल्लाह, ये पूरा मटका बना हुआ है। इसका नाम है अल बिद्या मस्जिद, ये खोरफक्कन के आसपास है, खोरफक्कन शारजा में ही पड़ता है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह पूरा मिट्टी का माशाल्लाह, ये यहाँ पे एक वेल भी है। अल बिद्या मॉस्क इज द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द यूएई, इट वाज बिल्ट यूजिंग लोकल मटेरियल्स फ्रॉम लार्ज एंड स्मॉल स्टोन्स। सो माशाल्लाह कैक्टस माशाल्लाह, ये फेंसिंग कर दिया गया है इसमें, अभी ये मस्जिद बंद है, अंदर नहीं जा सकते माशाल्लाह। अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ फुजैरा में आता है, सॉरी हम खोरफक्कन बोले थे पर ये फुजैरा में आता है, फुजैरा टूरिज्म एंड एंटीक्विटीज़ अथॉरिटी, अल बिद्या मॉस्क, अल बिद्या मस्जिद। और यहाँ पर हम लोग को खोरफक्कन से आ गए फुजैरा सिटी में,
तो ये भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ये सब देखिए, यहाँ पे रास्ते रास्ते में ये सब फाउंटेन्स बना हुआ है और सब लोग आके ये सब देख भी रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट एज़ बिज़ी एज़ दुबई शारजा, बट ये जो भी है बहुत प्लान्ड है और बहुत ही खूबसूरत है। तो हम लोग आगे अभी जाएंगे, ये क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो ये मैं हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो है यूएई का सेकंड लार्जेस्ट मस्जिद, तो वो है शेख जायद मस्जिद जो है अबू धाबी में। ये वैसा ही है, उससे थोड़ा सा छोटा है, उतना बड़ा नहीं है, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट, वही सेकंड लार्जेस्ट है। और अभी हम लोग जा रहे हैं यूएई का सेकंड लार्जेस्ट मस्जिद के तरफ फुजैरा में, वो है ये, बहुत बड़ा और खूबसूरत है माशाल्लाह। अब कुछ नहीं बोलेगी, वीडियो ऑन हुआ तो चुप हो गई। तो ये था हम लोगों का सैटरडे का ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि काफ़ी अच्छा था। वहाँ से वापस आने के बाद हम लोग गए खाना खाने, खाना खा के फिर भाई भाभी घर ड्रॉप किया हम लोग को। घर आके इतना थक गए थे, रात हो गया था, नहा धो के हम लोग सो गए। सो के आज सुबह उठे, ब्रेकफास्ट वगैरह किए, लंच किए, अब लंच करके हम लोग क्लोजिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये था हम लोगों का ट्रिप। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप लोगों को कुछ भी जानना हो खोर फक्कान, वादी शीश या फिर फुजैरा, हम लोगों के ट्रिप से रिलेटेड अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं तो कमेंट में हम लोगों से पूछिए, हम लोग इंशाल्लाह उसमें आपको रिप्लाई करेंगे। बस हम लोगों का ईद का छुट्टी हो गया है ख़त्म, कल से ऑफिस फिर से स्टार्ट इंशाल्लाह। तो अब कुछ टाइम और बाकी है, सब प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो बस आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए, आसपास साफ़ सफाई रखिए, और मेहदी और अनकना की तरफ से आप सभी को मा सलामा।